सारा असाइनमेंट मैंने पूरा कर दिया है, वो तो खुश हो जाएगी। और इस फ्रेंडशिप डे पे आलिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर मेरे साथ फ्रेंडशिप डे पे मूवी देखने जाएगी, मजा ही आ जाएगा। अरे फ्रेंडशिप डे के दिन सब अपने दोस्तों के साथ घूम रहे, तुम यहाँ रो क्यों रही हो? आपको पता है आलिया ने मेरे साथ क्या किया? हाय आलिया। अच्छा आलिया, मैंने तेरा सारा होमवर्क कर दिया है, सारे असाइनमेंट्स बना के रेडी रख दिया, तेरा पूरा होमवर्क मैंने कंप्लीट कर दिया है, बस तू बस नाम लिख लेना अपना, किसी को पता नहीं चलेगा कि तेरा होमवर्क मैंने किया है। अच्छा सुन आलिया, आज फ्रेंडशिप डे है, बहुत अच्छी मूवी लगी है थिएटर में, हम चले एक साथ देखने। शक्ल देखिए अपनी, इतने सारे पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट, तेरे साथ मेरी फ्रेंडशिप, नोट्स मेरी बना देती है ना, यही बहुत है। ठीक है, बाकी दोस्ती यारी निभाने की जरूरत नहीं है, आए बस समझ में, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से दोस्ती करने। तो आलिया जैसी लड़की जिसने दोस्ती तुमसे रखी थी ताकि वो सारे होमवर्क तुमसे करा पाए, वो तुम्हें छोड़ के चली गई, तो उसके लिए तुम रो रही हो? क्या आप ऐसा दोस्त चाहते हैं अपनी लाइफ में? दोस्ती ही तो एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद चुनते हैं, बाकी माँ बाप, खून के रिश्ते, ये सब तो ऊपर वाला खुद देता है। बिल्कुल सही कहा, हम जैसी चमकू लड़कियों को ना आलिया जैसी लड़कियों की जरूरत नहीं है, हम जो है जैसी है वैसी ही अच्छी है। Wish you all a very happy friendship day. दोस्तों से सच्ची दोस्ती निभाने का मन कर रहा हो तो इस वीडियो को सारे दोस्तों सगे संबंधी के साथ शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अब सीखते हैं बेस्ट ग्लोइंग होम रेमेडीज क्या हो सकती है, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेजान रूखी सूखी स्किन टोन को इम्प्रूव करने के लिए ये वाला हैक ट्राई करें। मैंने यहाँ पे लिया है दही और उसके नीचे रखा है टिश्यू पेपर, आप कॉटन का भी कपड़ा रख सकते हो ताकि जो दही का रस है ना वो सारा कॉटन में चिपक जाए और ऊपर ऊपर सिर्फ दही की मलाई बचे। अब आपको जो गाढ़ी थिक दही है ना, कुछ इस तरीके से आपको आपके चेहरे के ऊपर मसाज करना है। फेस पैक, फेस वॉश और फेस मसाजिंग जेल 3-in-1 का काम करने वाला है ये जो मैं अपने चेहरे पर लगा रही हूँ। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को ब्लीच करने में, ब्राइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप डेली दिन में एक बार कम से कम 2 मिनट के लिए इस तरीके से मसाज करेंगे, आपको कोई फेस वॉश लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फेस पैक सीरम कुछ लगाने की जरूरत नहीं, आप बस ये वाला कीजिए। आप चाहें तो 15 मिनट आप इसको चेहरे पर लगा कर छोड़ देंगे तो एज अ फेस पैक वर्क करेगा, या फिर 2 मिनट के लिए चेहरे पर मसाज कर दीजिए, आपकी स्किन ग्रो जरूर करेगी, 1 महीने के अंदर फर्क देखने को मिलेगा। कितने लोग ऐसे सोते हैं प्लीज कमेंट करके बताओ, आपको पता है ऐसे क्या होता है? आपके चेहरे के ऊपर ना रिंकल्स आ जाते हैं अगर आप अपना फेस तकिए के ऊपर इस तरीके से रख करके सोते हो, तो कभी भी आपको अपना फेस तकिए पे नहीं रखना चाहिए या फिर अपना हाथ अपने फेस पे नहीं रखना चाहिए, उससे आपके चेहरे पे एकदम रिंकल्स, फाइन लाइंस वगैरह बहुत उम्र से जल्दी आने लग जाते हैं, तो ऐसे ना सोए। सोने का सही तरीका सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप करवट लेना चाहते हैं तो ऐसे करवट लेफ्ट की तरफ, आपका डाइजेशन अच्छे से हो जाता है, लेकिन फेस को तकिए में चिपकाएं ना, या फिर आप एकदम स्ट्रेट सीधे होके सोएं। मुझे पता है नींद में इधर उधर हो जाते हैं बट सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठा ले कि आपका फेस गद्दे में घुसना नहीं चाहिए। ग्लोइंग और ग्लास स्किन पाने के लिए दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए ना अर्ली मॉर्निंग में प्राणायाम जरूर करें। एक नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग करें और दूसरे नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें, ये आपके स्किन में ग्लो लेके आएगा, अंदर से आपको हेल्दी बनाएगा। और योगा तो ऐसी चीज है जो अगर आप करते हो तो स्किन आपकी नेचुरली हेल्दी, ग्लोइंग और क्रिस्टल क्लियर बन ही जाती है, इसका ट्राई जरूर करें दोस्तों। पिंपल्स अगर आपको हो जाते हैं, जैसे फिलहाल मेरे हो गए हैं, तो मैं क्या करती हूँ इसके लिए वो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ एंटी पिंपल फेस सीरम, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है, मैंने बाओ का एलोवेरा जेल लिया है जो पैराबिन फ्री है, कलर नहीं है, नेचुरल जो एलोवेरा होता है ना एकदम वैसा सा ही होता है ये, तो सिर्फ 1 चम्मच मैंने लिया है। और अब मैं फ्लैक्स सीड ले रही हूँ उसका तेल, अगर आपके पास फ्लैक्स सीड का तेल नहीं है तो आप आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बेस्ट प्रेफरेंस बोलूँगी कि आप फ्लैक्स सीड का 1 चम्मच तेल ज़रूर यूज़ कीजिए,
और उसके बाद मैंने यहाँ पे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 2 से 3 बूंदें मैंने यहाँ पे मिक्स किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखो फ्लैक्स सीड्स सबके पास नहीं होता है, आई नो आपको लिंक चाहिए, तो सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अच्छा डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप आमंड ऑयल यूज़ कर लीजिए, लेकिन ये एंटी पिम्पल फेस सीरम ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी स्किन में ग्लो भी लाएगा, पिंपल को भी बहुत जल्दी ठीक कर देता है, बिल्कुल नॉन स्टिकी। आप देख रहे हो मेरे हाथों में फर्क, लगाते ही फर्क नजर आएगा। फ्लैक्स सीड्स आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आप इसको घर में भी बना सकते हो, पर उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग जाती है। तो अगर आप क्विक हैक चाहते हो तो फ्लैक्स सीड ऑयल ज़रूर रखिए अपने पास और इस तरीके से मसाज करके रोज रात को ये लगाइए और फिर कमाल देखिए आपके स्किन पे क्या आता है। मैं तो हमेशा ये लगाती हूँ जब भी पिंपल होते हैं। मैं अब आपको बता देती हूँ कि आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कैसे फेस मॉइस्चराइजर चूज़ कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो अरोमा मैजिक का आप ये वाला मॉइस्चराइजर ट्राई कीजिए। देखिए एकदम वाटर बेस है, हमें हमेशा बोलती हूँ ना कि अगर आपकी ऑयली स्किन होती है तो वाटर बेस मॉइस्चराइजर लगाना होता है, परफेक्ट है। और अगर नॉर्मल जो ड्राई स्किन है आपकी तो आप एल्प्स का सैफ्रन वाला डे क्रीम यूज़ कर सकते हो। इसको देखो कितना ज़्यादा थिक है, ये थिक इसलिए है क्योंकि एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो ये देखिए एकदम दही जैसा मोटा गाढ़ा लग रहा है और बहुत ही अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है और अफोर्डेबल है और अप टू 40% ऑफ भी आपको मिल जाएगा, सभी लिंक दे रखा है, आप चेक जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि फेस वॉश करने का ना दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो पाउडर नेचुरल फेस वॉश आते हैं ना पाउडर बेस, जिसको आपको आपका चेहरा पानी से गीला करना होता है और वो पाउडर लेके चेहरे पे ऐसे लगा दो, इससे आप अपना फेस वॉश कर लो। सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम आपको आपकी स्किन पे डेली देना है। मॉर्निंग में आप दही यूज़ कर लो, दही यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप जो भी फेस वॉश केमिकल वाला सल्फेट वाला यूज़ करते हो उसको हटा के इस तरीके में ये एंटी एक्ने पैक वाला लूज पाउडर फेस वॉश यूज़ करी हूँ। ये देखिए इसके साथ चम्मच भूलती है और चेहरे पर लगाने के बाद चेहरा एकदम से ग्लो करता है गाइस, बहुत अच्छा है। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पिंपल हो रहे हैं, जैसे फिलहाल मुझे हो गया तो मैं ये ट्राई करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप चेहरे पे क्विक ग्लो चाहते हो ना तो आप ये गुड़ का इस्तेमाल करो। गुड़ मैं खाती भी हूँ यार, खाने के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं और स्किन पे लगाने के अलग फायदे हैं। मैंने गुड़ को गीला कर लिया है और इसी से अपने फेस पे लगा रही हूँ और ये आपके स्किन को नेचुरली डेड स्किन जो होती है ना स्किन की उसको हटा देगा, साथ ही साथ ग्लो लेके आएगा, पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, स्किन को ब्राइटन अप करता है। आप इसको पीस करके पेस्ट बना के हनी के साथ भी लगा सकती हैं या नॉर्मल वाटर में भिगो दीजिए और इस तरीके से मसाज कीजिए आप अपने चेहरे पे। गुड़ बहुत ही अच्छा स्किन ब्राइटनिंग एजेंट का काम करता है, स्किन फ्लॉलेस लगती है इसको लगाने के बाद। अगला मैं आपको बता रही हूँ कि मुल्तानी मिट्टी को कैसे आप अपने फेस पे लगा करके ऑयल फ्री आप बना सकते हैं अपने चेहरे को। आपको पता है मुल्तानी मिट्टी मोस्टली जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है क्योंकि आपके एक्स्ट्रा सीबम का जो प्रोडक्शन होता है ना उसको स्टॉप कर देता है, स्किन में नेचुरल ग्लो लेके आता है, डेड स्किन की लेयर हटाता है। और हफ्ते में 1 से 2 बार मुल्तानी मिट्टी का पैक आप ज़रूर लगाएं, या तो नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी को आप पानी में मिला दीजिए, रोज़ वाटर में मिला दीजिए, दही में मिला दीजिए, आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से देखिए मिला दीजिए और लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर रेडीमेड मुल्तानी मिट्टी लगाया है तो ये सेंट इवेंस का मुल्तानी मिट्टी का लोशन आता है, देखो आधा खाली भी कर दिया है मैंने इसको, बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। मुल्तानी मिट्टी इंडियन होम रेमेडीज में तो नंबर 1 है गाइस, यूज दैट। फेस पे ग्लो लाने का क्विक हैक, सिर्फ 2 मिनट में फेस के ऊपर ग्लो आएगा और एकदम लाल लाल चीक्स हो जाएंगे आपके। आपको इस तरीके से बेंड होना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हो जाइए, इंस्टेंटली बिना ब्लश के आपके गालों पे चमक आ जाएगी। दोस्तों अगर आपको पिंपल हो रहे हैं और स्किन में ग्लो चाहिए तो अंदर का टॉक्सिन बाहर निकालना है, तो उसके लिए आप गर्म पानी बैठा दीजिए अपने पतीले में और टी ट्री का एसेंशियल ऑयल डालिए। टी ट्री एसेंशियल ऑयल पिंपल्स को क्योर करता है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपके स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत ईजी है इस तरीके से स्टीम लेना। पिंपल्स के ऊपर कभी भी उंगली ना लगाएं, टच ना करें, नहीं तो ये दाग धब्बे छोड़ करके चले जाता है। जितना हो सकता है इसको टच करना बंद करें, अवॉइड, जस्ट डोंट टच इट। और जितनी भी मैंने ग्लोइंग स्किन और एंटी एक्ने के लिए जितनी भी होम रेमेडीज आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए ना सबको फॉलो करो
और फिर देखो स्किन में ग्लो कितना अच्छा आता है। नेचुरल भी मैंने आपको बता दिया और रेडीमेड सॉल्यूशन भी दे दिया। आप बताना आपको सबसे अच्छा सॉल्यूशन कौन सा लगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। वीडियो पसंद आई होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलती हूं एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।